इस सभा में मंच पर विराजमान विद्वतगण और नीचे में देख रहा हूँ कि अग्रिम पंक्ति में बहुत से भारत के प्रसिद्ध विद्वान बैठे हैं। सब देवियों और सज्जनों, आपको मेरा प्रणाम। राहुल कराड़ ने आज ऐसा विषय आपके सामने रखा है जो बहुत विवाद पैदा कर सकता है, रिलीजन और साइंस का आपस में क्या संबंध है। कमाल का विषय है। मैं समझता हूं कि दोनों का कोई संबंध है ही नहीं। रिलीजन और साइंस दोनों में 36 का आंकड़ा है। साइंस इधर देखती है तो रिलीजन उधर देखता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट को रिलीजियस लोगों ने जिंदा जला दिया है। क्या मैं उनके नाम लूं आपके सामने? आप पढ़ सकते हैं इतिहास में। और जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने धर्म को रद्द कर दिया है, कूड़े की टोकरी में फेंक दिया है। रिलीजन और साइंस का ये संबंध है। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, अद्भुत है हमारे यहाँ परंपरा और हमारा सोच। हमने रिलीजन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने मजहब शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारे यहाँ रिलीजन है ही नहीं, हमारे यहाँ क्या है? धर्म। धर्म और विज्ञान का कोई झगड़ा नहीं है। भारत के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, नाम गिनना शुरू कीजिए, चरक, वाग्भट, आर्यभट्ट, सब के सब परम धार्मिक लोग थे। धर्म और विज्ञान में कहीं कोई द्वंद्व ही नहीं, लेकिन रिलीजन और विज्ञान में, मजहब और विज्ञान में भयंकर द्वंद्व है। मजहब सारी दुनिया को बांटता है, टुकड़ों में बांटता है, दिलों से बांटता है, दिमागों से बांटता है, परंपराओं से बांटता है, भोजन में बांटता है, वस्त्र में बांटता है, निवास में बांटता है, हर तरह से बांटता है। और विज्ञान सारे विश्व को एक करता है। रेल किसी भी दुनिया की हो, किसी भी देश की हो, आप उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन पूजा स्थल, मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा? मस्जिद में जाके कोई पूजा करेगा? गिरजे में जाके कोई योगासन करेगा? असंभव, नामुमकिन। तो मजहब तोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, और विज्ञान जोड़ता है। ये फर्क है। यूं तो मजहब ने बहुत भला भी किया है, ये भी आपको बता दूं। लोगों के संबंधी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको संतोष कौन देता है? कुरान की एक आयत पढ़ते हैं और दिल को शांति हो जाती है। बाइबल के एक वर्ष पढ़ते हैं, मन शांत हो जाता है। वेद का एक मंत्र पढ़ते हैं, उपनिषद का एक श्लोक पढ़ते हैं और राहत मिल जाती है। मजहब से भी फायदा है। मजहब की वजह से लोग दान करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, पुण्य पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए सत्कर्म करते हैं। मजहबों से फायदे भी हुए हैं, लेकिन मजहब ने जितना नुकसान किया है मनुष्यता का, दुनिया में और किसी संस्था ने नहीं किया है। मजहब इतना नुकसानदेह है,
अंतःशाक्त बहिश्शेव सभा मध्ये च वैष्णव। संप्रदाय सांप्रदायिक होने का परिणाम क्या है कि अंदर से अंतःशाक्त, अंदर से शाक्त हैं, बहिश्शेव बाहर से शैव हैं और सभा में वैष्णव बने हुए हैं। यानी महान ढोंग का कारण, महान पाखंड का कारण, महान अंधविश्वास का कारण ये सब मजहब हैं। एक बहुत बड़ी बाइबिल की पंडिता न्यूयॉर्क में रहती है, मेरी मित्र हैं, डॉक्टर करण सिंह के गुरु जैसी हैं, रही हैं, 80-85 साल की थी। जिनीवा में एक बार मेरे साथ पैदल चलने लगी, मुझसे कहने लगी, वैदिक जी, इस संसार को, कायनात को, सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है, गॉड इज द फादर ऑफ मैन। मैंने कहा, सिस्टर, आई फील मैन इज द फादर ऑफ गॉड। यदि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया होता तो सारे मनुष्य एक जैसे होते, इतने सारे परमात्मा नहीं होते, इतनी सारी बाइबिल, कुरान, वेद, उपनिषद और गीता नहीं होती, एक ही पुस्तक होती, दुनिया एक तरह से चलती। लेकिन मनुष्य इतना चतुर है, इतना ताकतवर है, ईश्वर से इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसने कई ईश्वर खड़े दिए हैं। उसको सूंड वाला, हाथी वाला ईश्वर पसंद है तो गणेश जी बना दिए, उसको त्रिशूल वाला पसंद है तो शिव बना दिए, उसको बांसुरी वाला पसंद है तो कन्हैया बना दिया, उसको धनुष वाला पसंद है तो उसने राम बना दिया। मनुष्य की महिमा अद्भुत है, वो ईश्वर से भी बड़ा है। विज्ञान यही करता है। विज्ञान की खूबी क्या है? विज्ञान तर्क से चलता है और धर्म विश्वास से चलता है, अंधविश्वास से चलता है। लेकिन मैं समझता हूँ, जब मैं धर्म कह रहा हूँ तो उसको मजहब समझना। धर्म और विज्ञान में कोई भेद नहीं है। आज यहाँ बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया जो आपसे कहता हूँ और कह के समाप्त करूँगा अपनी बात, क्योंकि विषय ऐसा है कि जिस पर घंटों बोलता रहूँ। तो आज सूत्र रूप में, मंत्र रूप में अपनी बात कहता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म एंड साइंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। धर्म इज अ साइंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड साइंस इज द धर्म ऑफ नोइंग द नेचर। साइंस प्रकृति का रहस्योद्घाटन करती है, प्रकृति को जानने की कोशिश करती है, और धर्म क्या करता है? स्वयं को जानो, नो दाय सेल्फ, खुद को जानो, स्वयं को पहचानो, ये करता है। दोनों का काम खोज करना है, दोनों का काम मनुष्य के अंतरंग और बहिरंग का निर्माण करना है। धर्म के बिना भी मनुष्य को मोक्ष नहीं मिल सकता और विज्ञान के बिना भी मोक्ष नहीं मिल सकता। परलोक को सुधारने के लिए धर्म है, इहलोक को सुधारने के लिए विज्ञान है, और इहलोक और परलोक दोनों को जो सुधारे वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए धर्म और विज्ञान, विज्ञान का क्या मतलब है? विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो ये विशेष ज्ञान और धर्म, ये भी विशेष ज्ञान है, ये आत्मा का विशेष ज्ञान है, विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। इन दोनों विज्ञानों के, इन विशेष ज्ञानों के समन्वय से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिसको सदैव मोक्ष प्राप्त करना है वो इहलोक और परलोक दोनों को साधे, विज्ञान और धर्म दोनों को साधे, मजहब के चक्कर में न पड़े, संप्रदाय के चक्कर में न पड़े, रिलीजन के चक्कर में न पड़े, धर्म और विज्ञान की उन्नति हो, मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।